प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्क मेजर्स, तो चार प्रॉपर्टीज बोला गया है इससे। ईएल जो चार प्रॉपर्टीज है, ये क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था, उसमें भी था शायद, यूटिलिटी या किसी में था। चार प्रॉपर्टीज क्या है पहले ये लिख लेते हैं। मोनोटोनिसिटी नंबर टू, ट्रांसलेशन इनवेरियंस नंबर थ्री, क्या नाम था, पॉजिटिव होमोजेनिटी। पॉजिटिव होमोजेनिटी, सब एडिटिविटी। ये तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि तुम लोग को ये एज अ रिस्क मेजर का प्रॉपर्टी सोचना है, इसको जनरलाइज मत करना कभी भी। जनरलाइज करोगे कंफ्यूज होगे, क्योंकि इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, बट ये जो मोनोटोनिसिटी लिखा है, ये लिखा है कि अ पोर्टफोलियो विच परफॉर्म्स पुअरली विल हैव अ हायर रिस्क, अ पोर्टफोलियो विच हैज ऑल द फ्यूचर वैल्यूज विच हैज स्लोअर कंपेयर टू अनदर पोर्टफोलियो विल हैव हायर रिस्क, एंड विच इन द सेंस इन समवॉट मेक सेंस इफ वी सी इन पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क। क्योंकि रिस्क हम लोग सोचते हैं यही कि रिस्क है तो इसका वैल्यू तो कम ही आएगा ना, रिटर्न भले ही कुछ भी हो उस पोर्टफोलियो का वैल्यू तो कम है, तो रिस्क के पर्सपेक्टिव में तुम लोग सोचो। क्योंकि यहाँ पे भी तुम लोग स्वाइजर में देखिएगा लिखा हुआ है पोर्टफोलियो विद ग्रेटर फ्यूचर रिटर्न विल लाइकली हैव लेस रिस्क, तो ये बहुत ही गलत लगा था मेरे को, हम भी कंफ्यूज हो गया था कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा और पढ़ा इसके बारे में उस समय, तो पता चला कि ये बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो जिसका वैल्यू ही कम है तो उसका रिस्क ज्यादा होगा फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा उसका जगह खा जाता है उसका वैल्यू का, और बहुत ही वो है बेकार, ये है मोनोटोनिसिटी है, तो इसलिए इसको उतना वो याद भी नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं था। ये सबसे बेस्ट रिस्क मेजर है इसका सब एडिटिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इनवेरियंस। ट्रांसलेशन इनवेरियंस बोलता है कि एक रिस्क मेजर को कब कम होना चाहिए। एक रिस्क मेजर है अगर हम लोग उसमें कैश ऐड करते हैं जो श्योर शॉर्ट अमाउंट है, जिसमें नुकसान का कोई चांस नहीं है, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी ऐड करते हैं, सपोज कैश हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, तो एक रिस्क मेजर को कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्क मेजर का सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कुछ भी हम लोग अगर शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट ऐड करें विच इज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो हमेशा रिस्क मेजर का वैल्यू कम ना चाहिए, उस पोर्टफोलियो का रिस्कीनेस कम होना चाहिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका। क्या पॉइंटर्स अगर मैं इसको उसके पर्सपेक्टिव में दिखाऊं, क्योंकि कैश एज अ कैपिटल ऐड करता है, तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना कम रिस्क होगा, राइट। तो इफ वी एड कैश रिस्क फॉल्स, बस ये लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बुक में नोटेशंस है, नोटेशंस मैं नहीं लिखा रहा हूँ कॉपी में। पॉजिटिव होमोजेनिटी, पॉजिटिव होमोजेनिटी बोलता है कि तुम्हारा रिस्क मेजर जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उतना बड़ा मेजर। मेरे पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, गरिमा के पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो गरिमा का रिस्क मेजर बड़ा होगा। तो दिस इज वॉट पॉजिटिव होमोजेनिटी इज, ये बोलता है कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो को आधा कर ले इंटू 1/2 इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू, तो रिस्क को भी आधा हो जाना चाहिए, रिस्क मेजर का वैल्यू भी। बहुत ही अपसर्ड ये सब है, मतलब हम लोग सोचते नहीं है, बट हाँ होना चाहिए ऐसा, हम लोग इस लाइन में कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, बट या दिस इज व्हाट इट इज रिस्क मेजर का। गुड रिस्क मेजर का प्रॉपर्टीज लास्ट, सब एडिटिविटी। सब एडिटिविटी में अपना आता है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। अब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या है, हम लोग पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास का सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, नॉट फर्स्ट क्लास का, आज का फर्स्ट क्लास का सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे कि देयर इज द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज, इफ द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज इज लेस देन वन, द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज ए एंड बी इज लेस देन वन, तो सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो विल बी लेस देन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, है ना। क्योंकि सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी कब होगा मैं इसका बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग ने क्या लिखा था फॉर्मूला फटाफट, एक वेट ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट ए इंटू कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन के टर्म्स में समझते हैं। अब अगर ये वन है, ठीक है, अगर ये वन है और हम लोग ये सिग्मा स्क्वायर निकाले हैं, हाँ अब सिग्मा लिखते हैं सीधा, तो वेट ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस वेट बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट ए इंटू सिग्मा ए इंटू वेट बी इंटू सिग्मा बी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख लिए, वन का तो इंटू वन होगा वो गया खत्म, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको ये पूरा टर्म को एक्स समझते हैं, इसको वाई समझते हैं, एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा, तो मतलब एक्चुअली रुको तुम लोग इसको यहाँ लिखना नोट्स में, इस पूरा टर्म को एक्स पकड़ते हैं, पूरा टर्म को वाई पकड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये, तो एक्स प्लस वाई आ गया। तो अगर कोरिलेशन वन हुआ तो हम लोग दोनों का सिग्मा को सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी लिख सकते हैं। वेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ पे भी वेट होगा यहाँ पे भी वेट होगा, बट अपना कंसर्न है सिग्मा ए सिग्मा बी अभी। तो
जब पोर्टफोलियो कोरिलेशन वन होता है पोर्टफोलियो का, तभी हम लोग दोनों का ऐड करते हैं। और अगर वन से तो कम ही होता है कोरिलेशन, वन से तो ज्यादा जा नहीं सकता है, तो जब भी वन से कम होता है देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट एंड पोर्टफोलियो का सिग्मा इज लेस देन सम ऑफ सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। तो ये जो है दिस इज सब एडिटिविटी। सब एडिटिविटी में बस क्या है, एक और लाइन एडेड है ये, क्योंकि वन को हम लोग वन का प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड करते हैं। तो सब एडिटिव बोलता है कि पोर्टफोलियो का रिस्कीनेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ रिस्कीनेस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन इट। दिस इज व्हाट सब एडिटिविटी इज।